कॉर्पोरेट रडार में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज हम दो मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। एक तो इंडियन इन्फोलाइन की मैनेजमेंट होगी, जिनसे हम समझेंगे, क्योंकि ये सारी कंपनी जो ब्रोकर से जुड़ी कंपनीज हैं, इनका बिजनेस काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है और क्या आगे भी चलेगा, गाइडेंस को लेकर के हमको जानकारी मिलती है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको मार्केट्स के हिसाब से भी ध्यान देना होगा, और मार्केट्स में इन समय अहम लेवल जो है वो 10,000 की तरफ हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ अब हम 33 अंकों की दूरी पर हैं इस 10,000 के जादुई आंकड़े पर। सेंसेक्स भी 32,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। हमने कुल मिला के खाका खींचा है कि निफ्टी 10,000 आज ही लगेगा, उसके पीछे क्या बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, आज तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC, TCS, इन्फोसिस, बैंक, ये सभी मिलकर आज बाजार के सपोर्ट कर रहे हैं। पहले ऐसे होता था कि इक्का दुक्का शेयर चलते थे, लेकिन आज मेजर कंपोनेंट, आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि ITC और रिलायंस को जोड़ दिया जाए तो निफ्टी के अंदर जो 50% यानी कुल तेजी है, 50% तो यहीं से आ जाता है। तो इन सभी का कंट्रीब्यूशन आज काफी अहम है। दूसरा, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का जोर है। GST से अब बाजार को डर नहीं लग रहा, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। मॉनसून अच्छा है, अब तक की अर्निंग्स ये कहती हैं कि बाजार में डरने की बात ही नहीं है। तो ये चार बड़े मोटे मोटे फंडामेंटल कारण हैं जो कि समझ में आ रहे हैं कि बाजार 10,000 की तरफ जा सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी, जो कि मेजर कंपोनेंट है इस समय बाजार को डिराइव करने का, क्योंकि कल परसों या तरसों पिछले 3 दिन से अगर आप एक चीज देख रहे होंगे तो एक चीज मिसिंग थी, वो था बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी के अंदर खरीदारी आई है, ये 24,400 तक पहुंच चुका है। अब हम बेहद दूर हैं, सिर्फ 32 अंकों की दूरी के साथ अब हम ट्रेड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेरे लिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह है 10,000 की कॉल के अंदर खरीदारी होना और साथ ही साथ 9900 की पुट के अंदर जोरदार बिकवाली होना, ये भी इंडिकेट करते कि बाजार 10,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खैर, इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी, जैसे हम 10,000 के करीब पहुंचेंगे आपके सामने और हम डाटा कुछ और फ्रिक्वेंसी के साथ रखना शुरू करेंगे। लेकिन अब दो मैनेजमेंट, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि हम बातचीत करेंगे, एक तो इंडिया इन्फोलाइन से, पहले उनसे ही समझ लेते हैं कि वो इस समय अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करते हुए दिखते हैं। मेरे साथ प्रबोध कुमार हैं, जो कि ग्रुप CFO हैं इंडिया इन्फोलाइन के, वो मेरे साथ जुड़े हैं। सर, शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल समय देने के, पहले तो जी बिजनेस को, ये पहली तिमाही में कंपनी के नतीजे कैसे रहे, आप इस नतीजों से सेटिस्फाइड दिख रहे हैं क्या? तो हमारे तीनों बिजनेस अच्छे परफॉर्म किए हैं, NBFC इन हाउसिंग फाइनेंस, वेल्थ और कैपिटल मार्केट, तीनों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। NBFC में हमारा लोन 26% YOY ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट 31% YOY ग्रोथ हुआ है। इन वेल्थ हमारा AUM 60% YOY ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट 64% YOY ग्रोथ हुआ है, और कैपिटल मार्केट में प्रॉफिट्स 198% YOY ग्रोथ हुआ है। सो यू नो, वी आर जस्ट हैप्पी विथ ऑल द थ्री बिजनेसेस। ठीक है, अब एक चीज़ तो अच्छी है कि ठीक है, जो बिजनेस ग्रोथ है उससे कंपनी सेटिस्फाइड लिख रही है, लेकिन सर एक और चीज़ में जानना चाहता हूँ, आपका म्यूचुअल फंड बिजनेस किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है? ये मार्केट के अंदर फ्यूल दे रहा है और ये फ्यूल्स का DIS की तरफ से ज़्यादा आ रहा है क्या? तो इसमें देखिए, अभी जो ट्रेंड है कि देयर इज सेविंग्स, लोग फाइनेंशियल एसेट में ज़्यादा सेव कर रहे हैं और रियल एस्टेट और गोल्ड में लोग कम सेव कर रहे हैं, बिकॉज वो दोनों एसेट क्लास अब अट्रैक्टिव नहीं हैं। और इससे ये जो आप देख रही हैं कि म्यूचुअल फंड में इनफ्लो बहुत स्ट्रांग हो गया है, और म्यूचुअल फंड हैव बिकम द लार्जेस्ट नेट बायर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, मच मोर देन दी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो दिस इज एक्चुअली ए बहुत हेल्दी ट्रेंड है इंडियन मार्केट्स के लिए कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस आर नाउ द लार्जर एंड वी आर नॉट सो डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन इनफ्लोज। इससे हमारा देखिए क्या हुआ है कि सेकेंडरी मार्केट वॉल्यूम्स बहुत बढ़ गए हैं। कैश मार्केट टर्नओवर ऑफ BSE एंड NSE हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 6 months, इट हैज़ गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 40-50%। एंड इससे सारे माने जो इंटरमीडिएटरीज या ब्रोकर्स हैं हमारे जैसे, सबको बेनिफिट हुआ है। दूसरा, वी आर ऑल्सो IIFL एज अ हाउस, वी आर अमंग द लार्जेस्ट मोबिलाइजर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन द कंट्री, वी आर अमंग द टॉप 10 म्यूचुअल फंड मोबिलाइजर्स इन द कंट्री। तो उससे जो हमारा वेल्थ बिजनेस जो हमारा करता है, हमारे जो HNI फैमिलीज हैं उनको
दे उनसे म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, तो दैट ऑल्सो उसमें भी हमको बहुत फ़ायदा हुआ है. बट मेरे को लगता है ये जस्ट बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंड है. यू नो व्हाट, हम लोग अभी जो पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं, 2 साल से देख रहे हैं, ये अभी जस्ट चालू हुआ है और ये अगले 8-10 साल तक हमको लगता है कि ये फाइनेंशियल सेविंग और म्यूचुअल फंड्स का इनफ्लो बढ़ता ही जाएगा एंड म्यूचुअल फंड्स विल बिकम रियली बिग. बिकॉज अभी आप देखेंगे म्यूचुअल फंड इज़ ओनली अबाउट 17% ऑफ बैंक डिपॉजिट्स. दिस कैन गो अप सिग्निफिकेंटली विच विल बेनिफिट द इकोनॉमी एंड ऑफकोर्स प्लेयर्स लाइक अस. सर, ये वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस की ग्रोथ कैसे दिख रही है आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रोकरेजेस के लिए. तो यहाँ भी देखिए HNIs भी एक तो क्या रहता है कि HNI न्यू वेल्थ क्रिएशन इन इंडियन इकोनॉमी इज़ वेरी हाई एंड बल्क ऑफ द वेल्थ अभी भी प्रोफेशनली मैनेज नहीं है, फैमिलीज खुद ही मैनेज करती हैं. बट एज मोर एंड मोर फैमिलीज दे अंडरस्टैंड कि प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजर से उनको क्या बेनिफिट्स होगा और क्या एडवांटेज है, वैसे मोर एंड मोर वेल्थ इज़ नाउ कमिंग टू प्रोफेशनल मैनेजर्स लाइक अस. तो ये एक नया वेल्थ क्रिएशन प्लस मोर ऑफ एग्जिस्टिंग वेल्थ बीइंग मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स लाइक अस, बोथ ऑफ दीज थिंग्स, इसके कारण AUM ग्रोथ हमारा जो है आप देख रही हैं कि पिछले 7-8 साल में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ हुआ है और हम लोग अभी 1,26,000 करोड़ में पहुँच गए हैं, विच मेक्स अस यू नो अमंग द टॉप 2 or 3 प्राइवेट बैंकर्स इन इंडिया. सो मेरे हिसाब से ये ट्रेंड चलना चाहिए, अभी काफ़ी दिन चलेगा जिसमें कि यू नो ग्रोथ कैन कंटिन्यू. इस पीछे अगर आप ज़्यादातर ब्रोकरेज वाली कंपनीज का एक स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो वो काफ़ी रोबस्ट दिख रहा है आपको. ये मैनेजमेंट तो हमको खैर क्लियर कर ही रही है, लेकिन इंडिया इन्फोलाइन का अगर आप ग्रोथ भी देखें, आप इनका ईयरली चार्ट भी एक बार ड्रॉ करके दिखाइए, ईयरली चार्ट के अंदर किस तरीके का मोमेंटम आया, क्योंकि ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज की कंपनी ने 20-25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है. आप देखिए इन्होंने साल भर में 100 के आंकड़े को पार किया, 134% का रिटर्न इनका कैलकुलेट हुआ है. तो मैनेजमेंट से हम लगातार इसलिए मुद्दे पर बातचीत इसलिए कर रहे हैं ताकि ये रिटर्न वाजिब है, आपको डरना तो नहीं चाहिए. अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने रखे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट ये दिलासा देना चाहती है कि हाँ, जो हम नंबर्स कोट कर रहे हैं, जो ग्रोथ हमारा है, ये आगे भी कंटिन्यू रह सकता है. लेकिन इस परसेंटेज राइज को देखने के बाद थोड़ा सा सतर्क होकर भी काम करने की ज़रूरत है. अगर आप प्रतिद्वंदी के मुकाबले देखेंगे इंडिया इन्फ्लाइन को, तो ये कंपनी उस मुकाबले में EPS में अर्निंग पर शेयर जिसे हम कहते हैं उसमें करीब 22 रुपए दे रही है, जो आपको पर शेयर के हिसाब से अर्निंग्स होती है अगर आप निवेश करते हैं. और सभी कंपनीज में एक ही कंपनी इसके सामने टक्कर दे रही है, वह मोतीलाल ओसवाल. ज़्यादातर कंपनीज या तो इससे थोड़ा पीछे हैं या फिर थोड़ा गैप क्रिएट किए हुए हैं ज़्यादा. तो मोतीलाल ओसवाल के हिसाब से आप EPS में इंडिया इन्फ्लाइन और मोतीलाल ओसवाल बराबर चल रही हैं. आगे बढ़ते हैं, मिस्टर अग्रवाल हमारे साथ बने हुए हैं. लोन बुक को लेकर सर मैं एक सवाल पूछना चाहता था कि यहाँ पे एक रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये आगे भी मेंटेन रहने वाला है क्या? क्योंकि 134% बढ़ने के बाद आपने जो मेरे को वेल्थ का आउटलुक बताया, ब्रोकरेजेस का आउटलुक बताया, वो तो ठीक है, लेकिन लोन ग्रोथ को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्योंकि यहाँ से रियल इकोनॉमी का टेस्ट पता लगेगा. तो ग्रेनुलर और छोटे टिकट वाले लोन्स की ओर हम लोग का फोकस है. तो जैसे कि होम लोन्स हैं, हमारी एवरेज टिकट साइज 22 लाख हो गई है, अभी पिछले क्वार्टर में 26 लाख तक थी, क्योंकि हम इंक्रीमेंटली हम जो लोन दे रहे हैं वो 10 से 12 लाख के लोन दे रहे हैं होम लोन्स में. SME में भी हम ऐसे छोटे लोन दे रहे हैं जो कि 1 लाख से 50 लाख तक के लोन दे रहे हैं. गोल्ड तो 45,000 रुपये होता है, MFI जो होता है वो 25,000 रुपये होता है पर लोन. तो ये सब इस तरह के छोटे टिकट लोन के ही हमारी ग्रोथ ज़्यादा है और इस तरह के लोन की डिमांड है. और इससे क्या होता है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क कम हो जाता है, हमको ऐसा नहीं लगता कि यू नो एकदम से कभी NPA बढ़ जाएगा. तो अभी इस क्वार्टर में जैसे कि हम लोग 120 जो NPA रिकॉग्निशन नॉर्म से 90-day NPA रिकॉग्निशन नॉर्म को मूव किया, फिर भी हमारा जो नेट NPA है वो 1% के बिलो ही है. ठीक है, एक बार मार्केट पे वापस आके देखते हैं. आप देखिए निफ्टी का फ्यूचर्स, निफ्टी के बैंक फ्यूचर्स सभी में खरीदारी है और ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है. जैसे हम लगातार आपको कह रहे हैं कि बाजार पिछले 10 से 15 मिनट में इसी रेंज में आके रुक गया है. ये कंसोलिडेशन की रेंज भी है, ये ब्रेकआउट यानी कि नए लेवल्स की तरफ पहुंचने की रेंज भी है और ये मुनाफा वसूली की रेंज भी है.
थोड़ा सा ध्यान रख के ट्रेड करने की जरूरत है। ये हम लेवल्स आपको बार बार दिखा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इसी रेंज में मार्केट 10 पॉइंट इधर और उधर होने पर ये अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और घटाएगा भी, और एकदम से डर पैदा भी होगा और एकदम से 10,000 की तरफ जाने में आप अग्रसर होते भी दिखेंगे। ये हर 10-15 पॉइंट पर आपको स्विंग बहुत संभल कर करना होगा। वापस लौटते हैं पर ब्रोकरेज का जो हम व्यू ले रहे हैं इंडिया इन्फोलाइन की तरफ से। सर एक और चीज़ है जो मार्केट के अंदर हम नोटिस कर रहे थे, वो था कि FIs की तरफ से खरीदारी बढ़ी है बाजार के अंदर, वो थोड़े लेगार्ड हैं, स्लो मूवर रहे इस बार, लेकिन DIs की तरफ से भी खरीदारी अच्छी रही है। ये FI18 में टिल एंड तक चलता रहेगा? सी मुझे लगता है कि एक तो डोमेस्टिक इन्फ्लोज ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, और डोमेस्टिक इन्फ्लो जैसे कि अब ये SIP की बढ़ती जा रही है अमाउंट, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग SIP कर रहे हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर द इन्वेस्टर्स, बिकॉज इन्वेस्टर्स शुड टेक अ 3-5 ईयर व्यू इन द मार्केट मिनिमम, एंड इस तरह का म्यूचुअल फंड से उनको वो मिलता है और ग्रोथ मिलेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स का बोलना मुश्किल रहता है, क्योंकि वो उनका इनफ्लो या आउटफ्लो डिपेंड करता है बहुत कुछ ग्लोबल इवेंट्स पे, जो कि अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल अभी क्या रहता है, उनका जो रुझान है वो इमर्जिंग मार्केट और पर्टिकुलरली इंडिया की तरफ बहुत पॉजिटिव है। इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, ग्रोथ रेट अच्छा है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, करंट अकाउंट डेफिसिट अंडर कंट्रोल है। सो ये सब मैक्रो ट्रेंड को देखते हुए मुझे लगता है कि FPI इन्फ्लोज भी डिसेंट रहेंगी। लेकिन इस बीच सर मैं एसेट क्वालिटी को लेकर भी कुछ जानना चाहता हूँ, ये एसेट क्वालिटी जो है सस्टेनेबल आपको लगता है कि होती रहेगी? हाँ, तो जनरली क्या होता है कि फर्स्ट क्वार्टर जब हम मूव करते हैं, जैसे अभी 120 से 90 मूव किया, पिछले ईयर हम 150 से 120 मूव किए थे, तो जब फर्स्ट क्वार्टर में NPA जनरली बढ़ जाता है और फिर धीरे धीरे सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में वो कम होता है, जैसे वी अडॉप्ट टू द न्यू रिकॉग्निशन नॉर्म, अब 90-day रिकॉग्निशन नॉर्म हो गया है, तो हमें उम्मीद है कि ये इस लेवल से आगे जाके थोड़ा NPA लेवल कम होना चाहिए। लेकिन इस पीछे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है मिस्टर अग्रवाल, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि RBI अगस्त में पॉलिसी रेट कट करेगा, क्योंकि हमने जितने भी आंकड़े अब तक देखे, चाहे CPI, चाहे वो WPI हो, चाहे वो IAP हो, अब तो शायद कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो RBI देखना चाहता है। सिर्फ GST का बहाना बने तो बने, अदरवाइज तो कुछ नहीं है RBI के पास। आपका व्यू क्या है, अगस्त में पॉलिसी रेट कट होगा? हाँ बिल्कुल, हमको उम्मीद है कि इस बार RBI रेपो रेट कट करेगा 25 बेसिस पॉइंट, और पूरा हमको ओवरऑल लगता है कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट रेट कट होगा, या तो अगले मीटिंग में या फिर अगले 2 या 3 मीटिंग में, क्योंकि ओवरऑल इन्फ्लेशन डाउन है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा स्लो हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ स्लो हुआ है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ फंड देखिए लास्ट क्वार्टर में 20 बेसिस पॉइंट Q1Q गिरा है, 140 बेसिस पॉइंट YY गिरा है 8.6%, एंड इंक्रीमेंटली हम 8.2% में बोरो कर रहे हैं, तो हमारा कॉस्ट ऑफ फंड तो गिरता रहेगा, परंतु जैसे RBI रेपो रेट कम करता है तो हमारा बोरोइंग कॉस्ट उस हिसाब से और गिरेगा। ठीक है, शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल ये समय देने के लिए, और साथ ही आपने ये बेहतर तरीके से बताया, क्योंकि 134% का जब हम ये इस तरह का गेन देखते हैं ना, तो हमको लगता ही है कि ये वाजिब सवाल थे जिसका जवाब भी आपने दिया कि हाँ ये कंपनी ग्रोथ आगे भी जारी रह सकती है। शुक्रिया आपका। तो ये तो मैनेजमेंट का आउटलुक आपने जाना, वो अपनी तरफ से बात रख रहे थे, लेकिन हम क्योंकि एनालिसिस के बिजनेस में हैं, हमको एनालिसिस करके आपके सामने रखना है। मेरे साथ अविनाश कोरेक्षकर जुड़ चुके हैं। अविनाश शुक्रिया समय देने के लिए। ये इंडिया इन्फोलाइन की मैनेजमेंट हमसे ये कह रही थी कि आगे चल के उनको वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस अच्छा लग रहा है, उसमें ग्रोथ देखेंगे, ब्रोकरेजेस ठीक है, कुछ नए वर्टिकल्स उन्होंने ऐड किए वहाँ से उनको ग्रोथ मिलेगी, ये ग्रोथ इतनी होगी कि अगले एक साल के अंदर फिर से 30-40% बढ़ जाएंगे? अविनाश सुन पा रहे आप मेरे को? हाँ इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि नंबर्स काफी अच्छे आए हैं, और मेरे ख्याल से आने वाले क्वार्टर्स में हमको लग रहा है कि ग्रोथ मोमेंटम और मजबूती से आएगा, नॉट ओनली ब्रोकिंग बट अदर मार्केट वर्टिकल्स में हमको लग रहा है कि बहुत रेवेन्यू और मार्जिन एक्सपांशन काफी अच्छी तरीके से होना चाहिए। इनफैक्ट मैनेजमेंट की कॉमेंट्री भी काफी स्ट्रांग है, और हमको लग रहा है कि FY18 में शायद FY17 के हिसाब से काफी जोरदार ग्रोथ देखने को मिलेगी, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली फ्रॉम वन ईयर पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है,
इनका एक वर्टिकल हमने जो बड़ा इंटरेस्टिंगली पार्टिसिपेट करते हैं, तो वेल्थ का, पीएमएस का, वेल्थ का, इसमें कितना ग्रोथ देखते हैं आप? ये लिक्विडिटी अगर जब तक बनी रहेगी तो ये डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा काम करता है तब तक। नहीं, मेरे ख्याल से काफी ग्रोथ रिटेल और मेरे ख्याल से वेल्थ और एडवाइजरी में आएगा। मेरे ख्याल से वेल्थ के वर्टिकल में हमने देखा है कि काफी अच्छा ग्रोथ हो चुका है, लेकिन आने वाले एक दो क्वार्टर्स में होपफुली अगर लिक्विडिटी अच्छी रहती है और मार्केट में रिटर्न, कैपिटल मार्केट ऐसा ही रिटर्न देता है, तो मेरे ख्याल से वेल्थ और रिटेल में तो अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज मार्जिन एक्सपेंशन आने की उम्मीद है। ठीक है, अविनाश, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता हो इंडिया इन्फोलाइन में नोटिसेबल है, या फिर इससे दूर रहना है, या फिर इसको ज्यादा क्लोजली वॉच करना है? प्राइस अर्निंग्स तो हमने देख ली है, वो तो एक जो प्राइस राइज भी देख लिया 134% का साल भर का। ख्याल से अगर किसी को खरीदना है तो थोड़ा सा गिरावट में खरीदे, लेकिन डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग प्रोस्पेक्ट है। कोई इसका पीयर आप सजेस्ट करना चाहते हैं, अगर इंडिया इन्फोलाइन ना लें और उसकी जगह कोई दूसरा शेयर लें तो? मेरे ख्याल से आई थिंक अगर हम ब्रोकिंग कंपनीज की बात करें तो एडलवेस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। एडलवेस में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से डीरेस की इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को किया है, इनके पास एआरसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इंश्योरेंस है, तो एडलवेस मेरे ख्याल से विल ऑल्सो गिव अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर किसी का 15 मंथ हो रहा है। ठीक है, अविनाश, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो एक एडलवाइस होगा इसका एक पीयर जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। इंडियन फ्लायर में गिरावट में खरीदारी करनी है। अब आप हमसे पूछेंगे गिरावट कितनी, तो आपका अपना रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है, 50 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट, इसका भी आप देख सकते हैं। लेकिन किसी भी गिरावट में आप इसको खरीदारी करें हैं तो होल्ड करें, वॉल्यूम को ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, एक दो क्वार्टर और निकल जाने दें, आपके पास जितना वॉल्यूम है उसी से ही बेनिफिट हो जाएगा। अभी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा के रिस्क लेने की बात नहीं सामने निकल के आ रही है। चलिए, इंडिया इन्फोलाइन की मैनेजमेंट से तो हमने बातचीत कर ली है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हमने ब्रेक से पहले आपको बताया था दूसरी मैनेजमेंट भी जोड़ेंगे, और दूसरी मैनेजमेंट है पराग मिल्क, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस कॉमोडिटी वाली जो कंपनी है इसके अंदर कितना स्ट्रांग मोमेंटम आगे इनके बैलेंस शीट्स में और दिखता है।